हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, हम लोग नहीं, पर्सनली मैं अपना बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटली जो भी चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको जनरली एनिमेशन या सिमुलेशन से आपको दिखाता हूँ, सो दैट एक क्यूरियोसिटी आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। फिर जब हम लोग जाते हैं थ्योरी में, तो सबसे पहले हम लोग अपने स्कूल का काम निपटाते हैं कि हम लोग अपनी प्रॉपर डेरिवेशन जो है, डेफिनेशन जो है, यूनिट्स जो है, डायमेंशन जो है, फॉर्मूलाज जो है, उनको हम लोग सेग्रीगेट आउट कर ले कि भाई स्कूल का काम समाप्त। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। सब्जेक्टिव का रीजन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि आप 12वीं के बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बोर्ड्स में भी बैठना है और जेई का एग्जाम भी फोड़ना है, तो आपका लिखने का तरीका या क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन का तरीका क्या है वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी क्लियर होगा। क्योंकि जनरली मैंने भी ये चीज फील करी है, जब ऑप्शन आते हैं जनरली बच्चा ऑप्शन के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है कि ये ऑप्शन होगा, और लाने की कोशिश करता है, और यही चीज बैकफायर करती है जब आप बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं, आपको आंसर पता नहीं होता, और जब पता नहीं होता तो आंसर कलम ही नहीं चल रही होती। पहले हमें सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के भी कुछ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देख रहे हैं, 2 ऑब्जेक्टिव, नहीं, वेटेज कम रखेंगे लेकिन रखेंगे जरूर, क्योंकि हमारे लिए बोर्ड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कुछ PYQs पर जाते हैं, और PYQs सबसे पहले हम लोग JEE मेंस के ही करते हैं जो रीसेंट ईयर्स के। समय बचने पर हम लोग एडवांस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो पहली चीज मैं आपको ये भी बताऊंगा, ओरिएंटेशन सेशन में हम लोग और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। एडवांस के लिए आपका जो बेसिक JEE मेंस का सिलेबस है वही है, उसको बस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके एडवांस की एनालिसिस आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है। कोई अलग रंग बिरंगी चीजें नहीं पढ़नी होती, वही चीज पढ़नी होती है लेकिन अच्छे से पढ़नी होती है। यस, एडवांस में कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जो अपार्ट फ्रॉम JEE मेंस हमारे पास है, जिसके लिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन चीजों को नहीं छूते, उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा सिलेबस में अब हमारे JEE मेंस भी है, बोर्ड्स भी है और एडवांस भी है, तो इसमें आपकी बहुत ज्यादा मदद लगती है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सभी का जोश हाई होता है, और जब ये जोश डाउन होता है तभी सिलेबस हाई होता है और तभी सबका काम तमाम होता है। मेजॉरिटी सिलेक्शन क्लास 12th से ही आते हैं। अगर आपके अंदर ये डाउट है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो दुनिया आज तक करती हुई आई है 12वीं क्लास में, ठीक है। अब आप वो बनते हैं या नहीं, डिसीजन आपका है। अब कोई मक्कारी नहीं करनी है एक सेकंड की भी। कोई भाई देखो, ये लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप सोच रहे हो आलस, ये वो फलाना ठिकाना,